उपासना योगी जन करते, उपासना योगी जन करते, सारी सिद्धियाँ वो पा जाते, सारी सिद्धियाँ वो पा जाते। मृत्यु लोक में रह कर वो तो, मृत्यु लोक में रह कर वो तो स्वर्ग समान ही अनुभव पाते, स्वर्ग समान ही अनुभव पाते। जीवन में कोई क्लेश न रहते, जीवन में कोई क्लेश न रहते, सुख और शांति को पा जाते, सुख और शांति को पा जाते। विषयों के फंद भी कट जाते, विषयों के फंद भी कट जाते। लोभ मोह उन्हें नहीं सताते, लोभ मोह उन्हें नहीं सताते। स्कंद कुमार कार्तिकेय को भी, स्कंद कुमार कार्तिकेय को भी गोदी में मां नहीं उठाए, गोदी में मां नहीं उठाए। स्कंद कुमार की माता है ये, चतुराई ना हो, कपट चतुराई ना हो। मैया जी को वो जन भाए, मैया जी को वो जन भाए। मोक्ष प्रदायिनी शक्ति दायिनी है स्कंद माता। जय जय शेरों वाली की, जय मेहरों वाली की, जय जय शेरों वाली की, जय मेहरों वाली की, जय जय शेरों वाली की, जय से ना काम वो लेते, बुद्धि से ना काम वो लेते।
समझ न पाए, उनके जल को समझ न पाए। विद्युत मां बातों में आए, विद्युत मां बातों में आए। उसने भी फिर हामी भर ली, उसने भी फिर हामी भर ली। कालिदास संग ब्याह रचाए, कालिदास संग ब्याह रचाए। थोड़े दिन में सच्चाई का, थोड़े दिन में सच्चाई का। उसको तो पता चल जाए, उसको तो पता चल जाए। मोक्ष प्रदायिनी शक्ति दायिनी है स्कंद माता। जय जय शेरों वाली की, जय मेहरों वाली की। जय जय शेरों वाली की, जय मेहरों वाली की। जय जय शेरों वाली की, जय मेहरों वाली की। महामूर्ख है पति तो मेरा, महामूर्ख है पति तो मेरा। विद्युत माये सह ना पाए, विद्युत माये सह ना पाए। अपनी रखी शर्त पर वो अब, अपनी रखी शर्त पर वो अब। भक्त रही थी बड़ी पछताए, भक्त रही थी बड़ी पछताए। शास्त्रार्थ में हरा कर हमको, शास्त्रार्थ में हरा कर हमको। उससे ही हम ब्याह रचाए, उससे ही हम ब्याह रचाए।
या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता नारायणी की जय। भक्तों, शारदीय नवरात्रे पूरी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और आज नवरात्र की पंचमी तिथि है, अर्थात आज के दिन माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति की आराधना की जाती है और इस शक्ति का नाम है स्कंद माता। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, अतः मैया पार्वती इसी कारण से स्कंद माता कहलाती हैं। तो आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की पावन कथा। ममता की अवतार है, पुत्र से प्रेम अपार है, स्कंद माता को पूजने वाले जाते भव से पार है। ममता की अवतार है, पुत्र से प्रेम अपार है, स्कंद माता को पूजने वाले जाते भव से पार है। भक्तजनों, स्कंद माता की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार भयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। बेहद शक्तिशाली था भक्तों, इसीलिए उद्दंडी होना स्वाभाविक ही था। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके यदा कदा मनुष्यों और ऋषि मुनियों को तंग करता रहता था। अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर उसने महादेव की घनघोर तपस्या की। महादेव उन दिनों सती वियोग से पीड़ित थे, फिर भी उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे वरदान देने चले गए। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मचर्य को धारण किया हुआ था। भक्तों, ताड़कासुर यह बात जानता था, इसलिए वरदान में उसने ये मांगा कि हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे केवल आपके पुत्र के हाथों मृत्यु मिले, ऐसा वरदान दीजिए। शिव जी ने भी तथास्तु कहकर शिवलोक का रास्ता ग्रहण किया। अब तो ताड़कासुर और भी निरंकुश हो गया। वो जानता था कि भगवान शिव तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुके हैं, नहीं उनका विवाह होगा, नहीं पुत्र होगा और नहीं उसकी मृत्यु होगी। आपके पुत्र के हाथ मरूं मैं, ऐसा तो वर मांगा है, ऐसा तो वर मांगा है। शिव शंकर तो ब्रह्मचारी है, ये तो उसने जाना है, ये तो उसने जाना है। नहीं हुआ विवाह तो बोलो पुत्र कैसे आएगा, पुत्र कैसे आएगा। मैं हूँ अजर अमर, मुझको तो कोई न मार पाएगा, कोई न मार पाएगा। अभिमान में चूर है, हंसता बारंबार है, स्कंद माता को पूजने वाले जाते भव से पार है। ममता की अवतार है, पुत्र से प्रेम अपार है, स्कंद माता को पूजने वाले जाते भव से पार है। भक्तजनों, भोलेनाथ से वर पाकर वो और भी अत्याचारी होता गया। जहां तहां भगवान के भक्तों की हत्याएं करता, उनके यज्ञों को नष्ट करता, उनके आश्रमों में गोमांस फिकवाता, यज्ञ के हवन कुंडों में अस्थियां और मांस के टुकड़े रक्त सहित गलवा देता। यहां तक कि इंद्रादि देवताओं को भी उसने परास्त कर उन्हें स्वर्ग से दूर खदेड़ दिया। ब्रह्मा विष्णु और सभी देवों ने मन में ये विचार किया कि किस तरह भगवान शिव को दोबारा विवाह के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उनका पुत्र हो जिसके हाथों इस पापी का नाश हो। देवों के आदेश पर कामदेव ने भगवान शिव पर काम इच्छा जगाने हेतु बाण मारा,
परंतु वो बेचारा शिव जी के तीजे नेत्र की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। देवी देव चिंतित हो गए, अब क्या होगा। समय व्यतीत होता जा रहा था भक्तों, पूर्व जन्म में जो सती थी वही इस जन्म में शैल पुत्री बन हिमालय के घर में जन्मी और ब्रह्मचारिणी बन घनघोर तपस्या कर भगवान शिव से उन्होंने पुनः विवाह कर लिया। गौरा संग में ब्याह किया तो देवी देव हर्षाए थे, देवी देव हर्षाए थे। ब्याह हुआ अब पुत्र भी होगा, मन में मोद मनाए थे, मन में मोद मनाए थे। उचित समय में गौरा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। कृतिकाओं ने पाला पोसा, कार्तिकेय था नाम दिया, कार्तिकेय था नाम दिया। पुत्र बड़ा बलवान है, माँ का सेवादार है, स्कंद माता को पूजने वाले जाते भव से पार है। ममता की अवतार है, पुत्र से प्रेम अपार है, स्कंद माता को पूजने वाले जाते भव से पार है। भक्तों, कुमार कार्तिकीय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है और अपने पुत्र स्कंद से अपार स्नेह के कारण माँ गौरा को स्कंद माता भी कहा जाता है। अब बारी आई कुमार स्कंद के हाथों ताड़कासुर के वध की। माँ पार्वती ने स्कंद माता का स्वरूप धारण किया और भक्तों उन्होंने स्कंद कुमार को अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या में पूर्णतः प्रशिक्षित किया। माँ के कुशल प्रशिक्षण के कारण कुमार कार्तिकेय अत्यंत बलशाली हो गए। माँ ने उन्हें आशीष में तरह तरह के अमोघ अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए, जिनके साथ उसने ताड़कासुर से युद्ध किया और भगवान शिव के वरदान अनुसार ताड़कासुर का वध कर दिया। युद्ध कला में निपुण किया है, दीनी शिक्षा सारी है, दीनी शिक्षा सारी है। मैया पार्वती ही भक्तों स्कंद माँ रूप को धारी है, स्कंद माँ रूप को धारी है। माँ के प्रशिक्षण से ही युद्ध भूमि में आए हैं, युद्ध भूमि में आए हैं। हुआ भयंकर युद्ध तो पल में राक्षस मार गिराए हैं, राक्षस मार गिराए हैं। हो रही जय जयकार है, किया सबका उद्धार है, स्कंद माता को ध्याने वाले जाते भव से पार है। ममता की अवतार है, पुत्र से प्रेम अपार है, स्कंद माता को पूजने वाले जाते भव से पार है। भक्तजनों, स्कंद माता का स्वरूप ममत्व प्रदान करने वाला होता है। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ अपनी गोद में अपने पुत्र स्कंद कुमार को बिठाए हुए हैं। माँ के हाथों में कमल पुष्प और वर मुद्रा है। माँ का वाहन माँ का शेर है। भक्तों, स्कंद माता कमल के आसन पर भी सुशोभित होती है। माँ के पूजन हेतु भक्त चौकी सजाते हैं तथा उस पर स्कंद माता के चित्र को सुसज्जित कर लाल चुनर ओढ़ाकर उसका श्रृंगार करते हैं। अक्षत चंदन रोली मोली धूप दीप नैवेद्य से माँ का पूजन अर्चन किया जाता है और माँ स्कंद माता की असीम कृपाएं प्राप्त की जाती हैं। तो बोलिए स्कंद माता मैया की जय। गोद में देखो स्कंद माता ने अपना पुत्र बिठाया है, अपना पुत्र बिठाया है। वात्सल्य का रूप है ये, भक्तों को दिखलाया है, भक्तों को दिखलाया है। पूजा काल सजाओ माँ की, आरती चालीस गाओ तुम, आरती चालीस गाओ तुम। चंदन तिलक लगा मैया की,
आशीषें भी पाओ तुम, आशीषें भी पाओ तुम। सृष्टि का आधार है, महिमा अपरंपार है, स्कंद माता को ध्याने वाले जाते भव से पार है। ममता की अवतार है, पुत्र से प्रेम।